मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पासलकर ने कहा है कि अगर किसी ने भी शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ठाणे जिला अध्यक्ष वसीम सैयद पर मुन्ना साहिल द्वारा हमले की खबर आने के बाद शहर का माहौल गर्म हो गया था। हालात ना बिगड़े इसके लिए पुलिस का बड़ा बंदोबस्त किया गया था। हालांकि इस मामले में मुन्ना साहिल, वसीम सैयद और इमरान हकीम पर FIR भी हुआ, मगर इसके बावजूद शहर में काफ़ी तनाव का माहौल था। एमएम वली स्थित वसीम सैयद के घर के पास सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई थी। वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र बनी हुई थी। मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर ने क्या कहा है, हम आपको सुनाते हैं। कुछ धार्मिक मुद्दों को लेकर कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग गलत गलत टिप्पणी करते हैं, उसी लिए आवाम में कुछ गलत फहमियाँ होती है, उसकी वजह से शांतता जो भंग होने का चांसेस है। तो जो कोई सोशल मीडिया के गलत अनावश्यक जो बात सोशल मीडिया के प्रसिद्ध करेगा और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो उन पर सख्त से सख्त कड़क कार्रवाई, जो भी कोई वो करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि जो वसीम सैयद है, जो लफड़ा हुआ उसके लिए जो है कुछ लोग उनको मारने के लिए प्लान बनाए हैं, तो उस लोगों को क्या आप लोगों ने चेतावनी जारी की है? सबके लिए अभी आपके सामने अपील कर रहा हूँ, जो भी कोई ऐसा हरकत करेगा, जो हमारे पास कंप्लेंट आएगा तो उसी वजह से उन पर कड़क कार्रवाई की जाएगी। वसीम सैयद को मारने की बात है इन्हें, तो हमारा पेट्रोलिंग जारी है, सब जगह हमारे बंदोबस्त है, बंदोबस्त उसके बारे में। अगर कोई ऐसा सोशल मीडिया पे कुछ गलत अफवाह फैलाएगा और ऐसा हो गया वैसा हो गया वो भी हमारे नज़र में आएगा तो उस पर भी कड़े कड़े, फिर वो कोई भी रहो, कानून सबके लिए सरी का है, सबके लिए वही एक्शन होएगा जो कानून में लिया है, और कोई कानून लेने के हाथ में लेने की कोशिश करे उसको हम बकसने वाले नहीं, तो चाहे कोई भी हो। सोशल मीडिया पे जो लोग अभी टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उन लोगों को आप लोगों ने कुछ नोटिस वगैरह दिया? जो जिसने टिप्पणी किया है और जिसको उसका बुरा लगा है आपके खिलाफ किया है, तो उन्होंने हमारे पास आना है, कंप्लेंट करना है, उसी हिसाब से हम उन पर एक्शन ले लेंगे। अभी आप मुंब्रा शहर वालों को क्या समझेंगे? मुंब्रा वाला आवाम को यही संदेश देगा, जो है जो कानून तौर पर जो हो रहा है, जो लड़ाई है वो कानून तौर पे कोर्ट के हिसाब से करना है, जिसके खिलाफ जाना है वो कोर्ट पे जाइएगा, लेकिन इधर सोशल मीडिया पे कुछ बातें पोस्ट करके उसका आवाम में गलत फहमी ना फैलाए, आवाम को शांति रहने है, मुमरा और कौसा की शांति रखना, ये अपना हर आदमी का और हमारा फर्ज है, वो हम करते रहेंगे। जो भी हाथ में कानून लेगा वो कोई भी रहो, वापस मैं रिपीट करा, तो हम किसी को बकसने वाले नहीं, उसमें सख्त से सख्त कड़क कार्रवाई करने वाले। जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत तरीके से कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस की तरफ से अफवाहों पर ना ध्यान देने की अपील की गई है। साथ ही कहा है कि अगर किसी ने भी शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अगर शहर के अंदर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करता नजर आए तो इसकी सूचना पुलिस को दे, ना कि कानून को हाथ में लेकर कोई गलत काम करे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।